नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। वाराणसी की जिस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद रहा है और हो रहा है, क्या उस ज्ञानवापी का मतलब आपको पता है? आप समझते हैं, ज्ञान का मतलब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन वापी का मतलब होता है कुआ। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मुसलमानों की मस्जिद का ऐसा संस्कृत नाम कैसे? हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी में वो कुआ तो कल सर्वे टीम को मिल गया और उस कुएं में एक शिवलिंग भी है। कल के इस दावे पर आज दिन भर खूब बहस हुई। वाराणसी की लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई, जिसकी पूरी अपडेटेड रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार कर दी है। लेकिन सबसे पहले उन दो नए वीडियोस की बात करना जरूरी है, जिनके आने की वजह से अब पूरी कहानी बदल गई है। पहले आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, मास्टर स्ट्रोक की इस कवर स्टोरी को समझिए और उसके बाद आगे बात। बाबा मिल गए, तो फुवारा था। हर मस्जिदों में ऐसे ही फुवारा मिलेगा कि हम लोग के महादेव जी वहाँ पे हैं, विश्वेश्वर जी, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े हैं। किसी फुवारे को आप कह दीजिए कि शिवलिंग है तो ये मान नहीं सकते। अभी हमें बाबा का परिवार पूरा पूरा वहाँ मिलेगा। हमारे गणेश जी हैं, हमारे वहाँ पे नंदी जी, हमारे मान जी हैं, सब आएंगे सामने। फुवारा है उसको कह शिवलिंग कर रहे, ये सब खाली मुसलमानों बहकाने की बात कर रहे, ऐसा कुछ नहीं वहाँ। कल तक सिर्फ ये बहस हो रही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग मिला है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था, लेकिन इसका कोई वीडियो मौजूद नहीं था। इसके बाद सबसे पहले कल रात को एक वीडियो आया। ये पहला वीडियो जब आया तो दावा यही किया गया कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का ये वीडियो है। ये वीडियो उसी वजू खाने का बताया जा रहा है जहां कथित शिवलिंग मिला है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वजू खाने की सफाई हो रही है, अंदर झाड़ू मारा जा रहा है, बहुत से लोग वजू खाने के अंदर उतरे हुए हैं, बीच में एक गोल कुएं जैसा आकार नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष का यही दावा था कि वो कथित शिवलिंग इसी के अंदर था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन यानी फव्वारा बता रहा था। इसी बीच कुछ लोग वजू खाने के किनारे बैठकर हाथ मुंह धोते हुए भी नजर आए। लेकिन इस वीडियो से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि ये कुएं जैसा गोल आकार का शिवलिंग ही है, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा था। इस वीडियो में ये भी साफ नहीं है कि ये एक फाउंटेन है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष का दावा है। इसी बीच आज एक और वीडियो आया, 1 मिनट 50 सेकंड का। ये वीडियो भी ज्ञानवापी मस्जिद के उसी वजू खाने का है जो विवादों में है। इसमें भी वजू खाने की सफाई हो रही है, झाड़ू मारा जा रहा है, पाइप से धोया जा रहा है। इस वीडियो में भी वो कुएं नुमा जगह दिखाई दे रही है और उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ भी दिख रहा है। तभी मोबाइल वीडियो बनाने वाला शख्स उस लड़के से अंदर का वीडियो लेने के लिए कहता है। लड़का फोन उठाता है और फिर अंदर ये दृश्य नजर आता है। अंदर एक गोल सा पत्थर है जिसके ऊपर 5 खाने बने नजर आते हैं। सवाल उठता है कि क्या यही वो कथित शिवलिंग है? कथित शिवलिंग के मिलने के बाद ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछले सैकड़ों सालों से वहां भगवान शिव का अपमान हो रहा था, क्योंकि वजू खाने में नमाज से पहले हाथ पांव धोए जाते हैं। बाबा को जैसे कैद कर रखा था उस जगह, वहां पे वे लोग हाथ थूकते थे, उसको देख करके तो मुझे बहुत ज्यादा, तो पहले तो गुस्सा आया, इन लोगों ने मेरे भगवान को कैसे कैद किया और मेरे भगवान के सामने कैसे कैसे ये लोग ये हरकतें करते थे। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फाउंटेन कह रहा है। इसीलिए हिंदू पक्ष का ये भी सवाल है कि अगर वो फाउंटेन था तो फिर चालू क्यों नहीं था? शिवलिंग के ऊपर से एक जोड़ा गया है, मतलब नया। फिर हम लोग पूछे जो है प्रतिवादियों से कि ये क्या है, कहे ये फुहारा है। हम कहे फुहारा तो आप चालू करा दीजिए। कहे नहीं, फुहारा तो खराब हो गया है। हम कहे कब से खराब? कहे वर्षों से खराब हो गया है। हम कहे फुहारा है तो यहाँ कहीं कनेक्ट करने का पानी का सिस्टम नहीं है, निकलने का सिस्टम नहीं है। सर्वे टीम के सदस्य और याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने इस कथित शिवलिंग को लेकर एक और दावा किया। सोहन लाल के साथ पूरी सर्वे टीम का दावा है कि जितना ऊपर ये शिवलिंग दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा नीचे इस शिवलिंग का हिस्सा मौजूद है। सर्वे टीम का ये भी दावा है कि शिवलिंग नीचे मस्जिद के तहखाने तक जा रहा है और उसके आसपास एक दीवार बनाकर तैयार की गई है जिसे तोड़ा जाना चाहिए।
भी हमको ले आ रहे हैं उस शिवलिंग के नीचे तहखाने में, जो ले आ रहे हैं सीढ़ी से हम लोग उतरे, हम और विष्णु शंकर जैन जी थे, हम लोग नीचे देखे कि वहाँ पर दीवारों से जो आ रहा था गोल सा, उसको दीवारों से चुनाई हुई थी। हमें लगा कि वह ऊपर का शिवलिंग लगाया नीचे है और नीचे जाए जहाँ माँ पार्वती का अर्घा होगा। तो हमने एक वाद जो है वाद आज जो दाखिल किया गया उसमें यह है कि ऊपर का दीवार नीचे, नीचे का भी दीवार इसको तोड़ा जाए। मौजूद स्थान है, उसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ते से जब आप नीचे जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो टेम्प्ररी वहाँ पे एक दरवाज़ा है जो बंद है, तो उसको हमने खोलने की मांग की। उस दरवाजे को ईंटें मलबे से बंद कर रखा है, तो हमारी ये मांग है कि कमिश्नर को डायरेक्ट किया जाए कि उसको हटाएं और वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई हो। अब तक जो आप सुनते आ रहे थे वो आपने जहन में तैयार किया होगा, लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए आपको वहाँ की पूरी स्थिति जो है ग्राउंड पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है ये है ज्ञानवापी मस्जिद और ये है काशी विश्वनाथ। अब ये एरियल व्यू आपके सामने तैयार हो गया है, ठीक है। अब आप ये काशी विश्वनाथ है और ये लाल में जो आपको दिखाई दे रहा है ये नंदी विराजे हुए हैं। ये है वो नंदी की मूर्ति जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूद है और वो सामने की तरफ जो है वो देख रही है, और वो जो सामने देख रही है ये वो मूर्ति है, भगवान नंदी की मूर्ति सामने देखती हुई ये मूर्ति है। और इसकी सीध में आप चलते चले आइए, ये अब आप देखिए दीवार शुरू हो चुकी है और ये शुरू हो चुकी है ज्ञानवापी मस्जिद। अब इसके सीध में आप आइए और सीध में आएंगे कुछ 83 फीट का ये फासला है, वहाँ पर ये टीन शेड के अंदर एक वजू खाना है, इसके अंदर वो वजू खाना है। इसी वजू खाने में एक पूल बना हुआ है जिसे हौज भी कहा जाता है, वहाँ पानी, और पानी जब खाली करवाया गया, हौज को खाली करवाया गया, तो वहाँ एक कुएं नुमा चीज़ दिखाई दी, वो बिल्कुल ऐसी थी। उसके थोड़ा और नज़दीक जाकर आप एरियल व्यू लेने की कोशिश करेंगे तो शिवलिंग जो हिंदू पक्ष कह रहा है दिखता है वहाँ से। ये ज्ञानवापी मस्जिद है, थोड़ा आगे चल के जाएंगे ये ज्ञानवापी मस्जिद है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर श्रृंगार गौरी की वो मूर्ति है, ये दीवार है, ये पूरा का पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेड, यहाँ पर पूरी की पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, और सिर्फ ये जो तहखाना है ये बंद है। और कहा ये जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि आप तहखाने को खोलिए, अंदर की तरफ जाइए तो आपको एक पूरा का पूरा शिवलिंग जो है, जो योनि वाला शिवलिंग है, वो साफ तौर पर दिखाई देगा। ये वो तीन दरवाजे हैं, ये तीनों दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है और यहीं से एंट्री होती है। वो जो आपने तस्वीरें देखी थी जुमा की नमाज में जो एंट्री हो रही थी वो यहाँ से हो रही थी। बाकी पूरी जगह पर आप देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है, और जैसा मैंने आपको बताया इस दीवार पर माँ श्रृंगार गौरी की वो मूर्ति है जो पूजा अर्चना करते हैं, और नंदी और शिवलिंग जो कथित तौर पर है उसमें दूरी है 83 फीट की। और ये है क्या, मुस्लिम पक्ष ये कहता है ये वजू खाना है और इसे फव्वारा कहा जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पर बकायदा सुनवाई होने वाली है। ये तो हमने उस मंदिर और मस्जिद के बीच में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में बता दिया, लेकिन अब ये और ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी बातें हो रही है नंदी और शिव, उनका रिश्ता क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। नंदी के सामने शिव मंदिर, इसका महत्व क्या होता है अब इसे समझिए। ये काशी विश्वनाथ परिसर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। ऊपर से नजर आ रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में नंदी की मूर्ति दिख रही है। नंदी का मुख मस्जिद की तरफ ही है। नंदी के ठीक सामने करीब 83 फीट की दूरी पर वो वजूखाना और तालाब दिख रहा है जहां कथित शिवलिंग मिला है। इस नंदी के होने की वजह से भी हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत बता रहा है। अक्सर शिव मंदिरों में नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ ही होता है, बिना नंदी के शिव मंदिर नहीं होते हैं। जो प्रतिमा है वो उसकी दृष्टि जो है वो भगवान शिव के चरणों में रहती है, इसलिए ऐसी दिशा में नंदी की स्थापना की जाती है जहाँ से वो बैठ करके और ध्यान करते हैं। पुराणे की ये मान्यता है कि अगर हमें कोई संदेश भगवान शिव को समाधिष्ठ अवस्था में पहुँचाना हो तो नंदी के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है, और आज भी भारत के बहुत से विभिन्न मंदिरों में महिलाएँ और भक्तगण नंदीश्वर भगवान के कान में अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो वैदिक परंपराएं हैं इसमें बहुत बड़ा साइंस है।
यही है वो नंदी जिनका मुंह मस्जिद की तरफ है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि नंदी को बाबा मिल गया। मंदिर में जो मेन गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का, तो इस साइड में छोटे नंदी हैं और आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो बड़े नंदी हैं, और बड़े नंदी का जो मुंह है वो ठीक इसी मस्जिद की तरफ है। ये सनातन धर्म में एक परंपरा रही है, मान्यता रही है कि जहाँ महादेव होते हैं उनकी तरफ ही नंदी का मुंह होता है। दर्शन करके आ रहे हैं, तो ये जो बड़ा वाला नंदी है यहाँ पर, वहाँ भी गए थे आप? अभी हम लोगों ने देखा, वहाँ गए थे हम लोग, वहाँ से हम लोगों ने पूरा अच्छे से दर्शन किया कि नंदी जी को देखा कि उनका दृश्य किस तरफ है, वो किस तरफ देख रहे हैं, मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। और कल जिस तरह से यहाँ पे जो जांच हुआ उसका जो रिजल्ट आया, जिस तरह से हमने भव्य शिवलिंग देखा छिपा हुआ, उससे तो हमें उम्मीद है कि अब बहुत जल्द ज्ञानवापी का भी बावरी की तरह ध्वस्त किया जाए। और वैसे हम आपको बता दें, ये जो बात कह रहे थे उससे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस बात को एंडोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट में कहा जाएगा वही होगा। मास्टर स्ट्रोक में आपने ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले शिवलिंग के संपूर्ण पड़ताल को देख लिया। मुस्लिम पक्ष फाउंटेन बता रहा है, शिवलिंग के सामने आने के बाद इस केस पर बहस वाराणसी की सेशंस कोर्ट से लेकर देश की सुप्रीम अदालत तक हो रही है। दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलों की भरमार है, याचिकाओं का अंबार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानवापी का विवाद अब किस ट्रैक पर जाएगा, किस दिशा में जाएगा, और इसका होगा क्या, क्लाइमेक्स क्या होगा। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के रुख और अदालती जंग को जोड़कर हमने उन संभावनाओं को, जिसे कहते हैं ना ऑप्शन, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, उन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की है जो आने वाले दिनों में ज्ञानवापी विवाद में सामने आ सकती है। सबसे पहले क्या क्या आगे होने की संभावना है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। मुस्लिम मस्जिद हिंदुओं को सौंप दे, मैं संभावना कह रही हूं, फिर वजह दोनों ही पक्षों के गिने चुने लोगों की मांग है और इसीलिए मुसलमान मस्जिद हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन संभावना लगभग इस वक्त नामुमकिन दिखाई देती है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ज्ञानवापी परिसर की एएसआई से खुदाई की जाए, वजह क्योंकि 96 के सर्वे के बाद याचिकाकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं, संभावना अदालत के आदेश पर यह संभव हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है कि वजूखाना शिफ्ट हो जाए, उस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष शिवलिंग की जगह हाथ पैर धोने के खिलाफ भावना आहत होने की बात कर सकता है। संभावना क्या है, आस्था के मद्देनजर कोर्ट का आदेश इस पर संभव हो सकता है। हम ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया जाए, वजह नंदी के सामने की दीवार के पार तहखाने का दावा किया जा रहा है, और संभावना फिलहाल संभावना इसकी नहीं दिखाई दे रही है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया जाए। और बकायदा ये नंदी और वजूखाने के बीच में जो दीवार है उसे तोड़ने पर कल सेशंस कोर्ट में बकायदा बात और सुनवाई होने भी वाली है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो ऑप्शंस के साथ दिखाई दे रही है। पूजा अर्चना की इजाजत जो है वो मिल जाए, मामला जहां से शुरू हुआ है, शिवलिंग मिलने पर हिंदू पक्ष की यही मांग है कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जानी, करने दीजिए, और हो सकता है कि शिवलिंग की पूजा की भी बात हो। फिलहाल संभावना इसकी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है और हमें इंतजार करना चाहिए। अच्छा, एक और संभावना यह भी है कि सर्वे बढ़ाया जाए या नए किस्म का सर्वे किया जाए, वजह हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट जो हुआ उस पर भी रोक की मांग है। संभावना क्या है, तस्वीर साफ करने के लिए ये मुमकिन हो सकता है। एक मांग ज्ञानवापी परिसर को सील करने की भी हो रही, वजह कुछ हिंदू संगठनों की ये मांग है, लेकिन संभावना क्या है फिलहाल नहीं दिख रही है ऐसी कोई संभावना, कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। दूसरी मांग ये कह रही है कि वजू खाना खोल दिया जाए, ये मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग हो रही है क्योंकि वजू नमाज के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मांग पर संभावना यह है कि वजू के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बना दी जाए, ये संभावना हो सकती है। यानी मामला बहुत पेचीदा है, 8 हमने ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, हो सकता है 9वां 10वां ऑप्शन भी सामने आ सकता है। मामला पेचीदा है, पेज बहुत सारे हैं। अब ऐसे में ये केस किस राह पर जा सकता है, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिए और समझिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। मस्जिद, मंदिर, शिवलिंग, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है, तो दावे की बात नहीं तो मिल ही गए हैं, फाउंटेन और नंदी, उसके अवशेष का गड्ढा करके कहीं भी डाल दो तो कुछ भी निकाल दो, मलबा है उसको हटाया जाए, नंदी जी जो इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि उम्मीद थी, सर्वे के बाद ज्ञानवापी विवाद की गुत्थी और भी पेचीदा हो गई है।
अब इसमें न तो दावों की कमी है, न दलीलों की और न ही डिमांड की। शिवलिंग मिलने का दावा मस्जिद परिसर के इसी वजूखाने में किया गया है। अब तक के सारे एक्शन का केंद्र भी यही वजूखाना है, इसलिए विवाद का सबसे बड़ा सेंटर भी वजूखाना ही है, जिसमें शिव भगवान है उन पे वजू हम लोग करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो अपना कहीं दूसरे जगह बना ले। हालांकि शिवलिंग मिलने का दावा होते ही वजूखाने को सील किया जा चुका है। अब मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ अदालत पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि वजूखाना सील होने से नमाजियों को परेशानी हो रही है, इसलिए वजूखाने के नल को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर किया जाए। सील हुए क्षेत्र के कारण शौचालय का रास्ता बंद हो गया है, इसकी एंट्री की व्यवस्था की जाए। इसी मांग के साथ तालाब की मछलियों को भी स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अदालत से इन परेशानियों के समाधान के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। जो वजू जहां करते थे नमाजी, वो परिसर जो है में सील हो जाने से वो जहां पे नलके थे वो भी सील हो गया है, तो वजू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा वो है कि शौचालय जाने का वही वैकल्पिक मार्ग है, तो शौचालय भी वो नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष वजूखाने को सील किए जाने के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। दूसरी ओर शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष का उत्साह और ज्यादा बढ़ चुका है। अब उसने पूजा अर्चना की मांग शुरू कर दी है। ये पर्याप्त नहीं है, अब जरूरी है जब विग्रह मिल गया है तो विधिवत उसका पूजन भोग होना चाहिए। इसलिए ट्रस्ट बोर्ड या अन्य सदस्य, बहुत सारे लोग आज गए भी हैं, माननीय न्यायालय के सामने याचना करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो अधिकार मिलना चाहिए, कम से कम भगवान का भोग आरती निरंतर होना चाहिए। वो तय करेंगे धर्माचार्य की वहाँ पे शिवलिंग है किस प्रकार का है, किस तरह पूजित करा, जबकि यह तथ्य सत्य है कि बाबा प्रकट हुए हैं। एक तरफ ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना की इजाजत मांगी जा रही है, वहीं दूसरी ओर नंदी और ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की दीवार तोड़ने की भी मांग उठ रही है। लोग यही चाहेंगे ना, उनको जो गंदगी वहाँ पे रखी गई है, वहाँ पे वजू करते हैं, वहाँ पे मलबा है, उसको हटाया जाए। पूर्वी द्वार है जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वहाँ पे एक द्वार है कृत्रिम ढंग से ढका हुआ है, उसको खोला जाए आगे की, और पश्चिम तरफ भी एक कृत्रिम द्वार बना हुआ है, उसको भी खोला जाए जिससे कि यह कार्रवाई हो सके। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में फिलहाल किसी तोड़फोड़ की इजाजत मिलना मुश्किल है, लेकिन मांग सिर्फ एक दीवार ही तोड़ने की नहीं है, बल्कि पूरे परिसर की खुदाई और ASI से सर्वे की भी इजाजत मांगी जा रही है। ये मांग उठाई है विजय शंकर रस्तोगी नाम के वकील ने, जिन्होंने 1996 में हुए सर्वे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके निस्तारण के पश्चात ही स्वच्छंद रूप से सर्वे कराया जाएगा ASI का, तो वही अच्छा होगा। इस प्रकार से सर्वे होना इसलिए आवश्यक है कि जो सेंट्रल रूम है अभी जिसमें सर्वे हुआ उसमें ये आया है कि जो भगवान शिव का के मंदिर का जो शिखर थे वो यथावत हैं, तीन गुंबज है, तीन गुंबज के नीचे मंदिर का शिखर यथावत है, उसके ऊपर एक फुट छोड़ करके बाहर ये गोलाकार गुंबज बनाया गया है। मेरा मंदिर यथावत है वहाँ पर, उसके नीचे भगवान शिव को पत्थर की पट्टियों से पाट करके रखा गया है, उसे हटाएगा ASI। ASI के सर्वे की मांग के साथ ही इस वक्त जो सर्वे चल रहा है उसे बढ़ाए जाने या एक नया सर्वे कमीशन बनाने की भी मांग शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष की दलील है कि अभी भी मस्जिद परिसर में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी जांच होनी जरूरी है। मस्जिद कर तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, कोई कल्पना ही, सब कसम मंदिर के अवशेषों से निर्माण किया, और सारे प्रमाण हो, यहाँ तक कि हम मुस्लिम जो जिनके ताली थी तहखाने में गए तो वहाँ भी श्लोक नजर आ रहे थे, वहाँ भी हिंदू देवताओं की जो ताखे होते हैं जिसमें दिए जलाए जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती, वह सब अवशेष थे। ज्ञानवापी की जंग से जुड़े लोग एक तरफ अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसको लेकर मची हलचल के बीच दोनों पक्षों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की जा रही है। एक अपील ये भी है कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंप दे। हालांकि इसको लेकर चर्चा जितनी भी हो, लेकिन ऐसा हो पाना लगभग नामुमकिन है। देखिए, ज्ञानवापी विवाद की लड़ाई अब निचली अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत तक लड़ी जा रही है। निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में एक शब्द आप बहुत सुन रहे होंगे,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील और कई जानी मानी हस्तियां बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के उल्लंघन की दलील दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि एक्ट दरअसल है क्या। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव पर प्रतिबंध लगाता है। 15 अगस्त 1947 को धर्म स्थल का स्वरूप आधार होगा, 47 में जो जैसा है वैसा रहेगा। अयोध्या का विवादित स्थल को एक्ट से बाहर रखा गया था। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस एक्ट को पारित किया था। मुस्लिम पक्ष इसी कानून के आधार पर ज्ञानवापी के सर्वे को गैर कानूनी बता रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ज्ञानवापी का मामला इस कानून के दायरे में आता ही नहीं है और इसीलिए ये पेचीदा मसला है पूरी तरह से। तो देश में इस वक्त गजब हाल है। एक हिस्से में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, दूसरे हिस्से में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं पानी की कमी हो गई है, कहीं पानी जान का दुश्मन बन गया है, कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जंगल सुलग रहे हैं, कुछ हिस्सों में ओले गिर रहे हैं। सवाल ये कि हो क्या रहा है, कुदरत कहर बरपा रही है या इंसानों की गलती की सजा दे रही है। रिपोर्ट देखिए। सायरन की आवाज के साथ ये चेतावनी साफ साफ सुन लीजिए। ये बाढ़ बार बार चेता रही है। चिलचिलाती गर्मी की चीख सुनिए। जंगलों की आग का अलर्ट सुनिए। सुनिए, देखिए और समझिए कुदरत क्यों दे रही है रेड अलर्ट। आपको एक एक तस्वीर के जरिए समझाते हैं कि कैसे पूरा भारत कुदरत की मार को झेल रहा है। देश के पूर्वोत्तर में बाढ़ की मार है, अधिकतर देश पर गर्मी का प्रकोप है। तस्वीरें असम की हैं, जहां बाढ़ की वजह से डिमा हासाओ के रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन ऐसे पलट गई जैसे माचिस की डिबिया हो। या फिर ये देखिए किस तरह बारिश में पुल ढह रहे हैं। असम के तुमुलपुर इलाके में नदी में आई बाढ़ में लकड़ी का पुल आंखों के आगे ही देखते बह गया। बाढ़ के बीच साइकिल को पुल पार ले जाने की कोशिश करते इन लोगों को देखिए, जिनकी साइकिल ही पानी के साथ बहने लगी। ये तस्वीर भी हुजाई इलाके की है, जहाँ कोपली नदी की बाढ़ में हाथी का बच्चा फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद इस बच्चे को बचाया गया। ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि असम में बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से असम के 20 जिलों में 2,00,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये असम के नगांव जिले की तस्वीरें हैं, जहां कोपली नदी उफान पर है और नदी में आई बाढ़ ने कामपुर इलाके में तबाही मचा दी है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये कहानी एक जिले की नहीं है। डिमा हासाओ में तो सड़कों पर ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी उतर आई हो। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क से गुजर रही कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। होजाई जिले में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। लगातार हो रही तेज बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें हैं। असम पर बाढ़ का खतरा आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
बार स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। करीब 600 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और करीब 50 से ज्यादा रेवेन्यू सर्कल इस समय जलमग्न है, यानी कि बराक वैली और आसपास के सारे इलाकों में पानी इस तरह से भर गया है कि कई इलाकों में अभी पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। असम का हाल आपने देखा, अब देखिए कैसे देश में गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग गर्मी में त्राही त्राही कर रहे हैं, गर्मी में लू का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ये चार तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान का जोधपुर हो या फिर पंजाब का अमृतसर, हर जगह गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान सबसे ज्यादा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जो क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर ये नहीं कह सकते कि क्लीन एनर्जी पे काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, पर वो गुड इनफ नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट है और इससे भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है अगर हम अब इसको महत्व नहीं देंगे आगे बढ़ने का, क्लीन एनर्जी को लाने का। हमें हर तरीके से जितने भी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हैं उनको रोकना है। नक्शे के जरिए समझिए कि मौसम ने देश को दो हिस्सों में कैसे बांट दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी इस नक्शे में हरे रंग के वो हिस्से हैं जहां बारिश हो रही है, जबकि लाल रंग के हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। नक्शे के मुताबिक तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो गर्मी शुरू हो रही है वो पूरे मैदानी इलाके में छाई हुई है। इससे कई हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली भी उसमें से एक है। यहाँ यमुना सूखी हुई है। उधर दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी की रेत में बच्चे खेल रहे हैं, साइकिल और स्कूटर चला रहे हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीर ही मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। ये आप तस्वीरें देखें तो ये यमुना नदी का हिस्सा है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और सामने एक मुहाने पर नदी का पानी आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। ये पानी इतना नीचे चला गया है कि जहां पर एक आम इंसान का खड़ा रहना मुश्किल होता है वहां से हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं और ये बच्चे, गाय, भैंस आपको चरती हुई नजर आ रही हैं। यमुना के घटते जल स्तर का असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी महसूस हो रही है। ऐसी रहती है समझ से पानी का दादा, गर्मियों में तो ऐसी रहे पानी आता ही नहीं है, क्योंकि 20-20 दिन हो जाए पानी आए भी करे हैं। पानी तो बहुत दिन से नहीं आ रहा, पानी तो हमको जहाँ मिल जाता है वहीं भर लेते हैं थोड़ा बहुत पीने के लिए। कभी कभी तो पानी वाले भी नहीं आते जो हमें 3 दिन स्टोर करके फिर उसको पानी को इस्तेमाल करते हैं। नहाने में भी 2 दिन से भी ये है कि नहाए अभी तक नहीं है। आमतौर पर ये हालात जून में बनते थे लेकिन इस बार वक्त से पहले ही ये हालात दिखाई दे रहे हैं। कोई रेन का स्पेल हो सो दैट तापमान जो है 40 और 30 का नीचे आया है और कुछ दिन तक रहे। इस साल जो है ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जो भी WD आ रहा है, चाहे 2 से 5 में का था जो फर्स्ट 10 डेज ठीक था, जब WD नहीं आया फिर 12 ऑनवर्ड सीवियर हीट वेव हुआ। अभी जो WD आया उसमें से फिर भी उम्मीद है आज अगर कहीं क्लाउडी हो जाए और तापमान कंट्रोल में रहेगा लेकिन तापमान ज्यादा नीचे नहीं गिरता है। गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है जिसकी वजह से रेलवे को कोयले की सप्लाई के लिए नई ट्रेनें चलानी पड़ी है। ज्यादा कोयले की सप्लाई के लिए कोरबा प्लांट से ड्रैगन रैक भी चलाई गई जो 3 किलोमीटर लंबी है और इसमें 240 वैगन है। इसे चलाने के लिए 4 इंजन लगे हैं लेकिन सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि कुदरत अलग अलग तरीके से वार कर रही है। हिमाचल प्रदेश को ही ले लीजिए, कुदरत के दो तमाशे एक ही जगह नजर आ रहे हैं। एक तरफ गर्मी से जंगल में आग लगी है, दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में बारिश और ओले पड़ रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, हिल स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, पहाड़ों पर लंबे जाम लग रहे हैं, लेकिन भीड़ के ये नज़ारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस टाइम में इको टूरिज्म सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है, चाहे वो अंडमान में है, चाहे वो चार धाम प्रोजेक्ट है, चाहे वो किसी भी नाम से आप ले लीजिए, वो चाहे यहाँ पर अपने दिल्ली में ही आप देखिए, आप ये संजय वन और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये ले जा रहा है और उसमें कमर्शियल एंगल्स लाए जा रहे हैं, ट्रैकिंग फलान ठलान आना, तो वो नेचुरली डिस्टर्ब होगी, इकोलॉजी तो डिस्टर्ब होगी। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस बार मॉनसून वक्त से करीब एक हफ्ता पहले अंडमान और निकोबार पहुंच चुका है। ऐसे में पूरा देश मॉनसून से मिलने वाली राहत पर उम्मीद लगाए हुए है लेकिन मौसम का बदला पैटर्न कुदरत के रेड अलर्ट की तरह है कि या तो सुधर जाओ या कुदरत की मार के लिए तैयार रहो।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।